वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। पेगासस जासूसी कांड, महंगाई और किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने में काफी हद तक सफल रहा है। विपक्ष एकजुट होकर इस दबाव को बरकरार रखना चाहता है। यही वजह है कि अगले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। सोनिया गांधी की विपक्ष को एकजुट करने की पहल की कपिल सिब्बल ने तारीफ की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने 15 अगस्त को पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी की समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की पहल का स्वागत किया, लेकिन उनसे पार्टी को मजबूत करने का आग्रह करते हुए कहा कि कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्षी एकता संभव नहीं है, इसीलिए पहले कांग्रेस को भी मजबूत करना जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्षी एकता लाने की पहल कर रही हैं, लेकिन हमारे सुधार के एजेंडे को जारी रखना होगा और हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इस पर जोर देते रहेंगे। उन्होंने कहा, ये मेरे बारे में नहीं है बल्कि कांग्रेस के पुनरुद्धार और इसे विपक्षी एकता में सबसे आगे लाने के बारे में है। कांग्रेस के मजबूत हुए बिना विपक्ष की एकता नहीं हो सकती। अगर मैं एकता लाने के लिए रास्ते में खड़ा हो जाऊं तो कोई बात नहीं, ये मेरे या 23 नेताओं के समूह में से किसी के बारे में नहीं है। आप मुझे और दूसरों को बेदखल कर सकती हैं, लेकिन आपको कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। इससे पहले खुद कपिल सिब्बल ने सभी विपक्षी नेताओं को अपने यहाँ डिनर पर बुलाया था। इस दावत में गांधी परिवार के कोई सदस्य नहीं था। इसके बाद सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक का ऐलान किया। माना जा रहा है कि सोनिया की अध्यक्षता में ये बैठक 20 अगस्त को हो सकती है और इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के एमके स्टालिन समेत गैर बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और दूसरे विपक्षी नेताओं के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस के शीर्ष 23 नेताओं ने पिछले साल अगस्त के महीने में कांग्रेस हाई कमान को चिट्ठी लिखकर हंगामा खड़ा कर दिया था। G23 कहे जाने वालों में शामिल गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने चिट्ठी प्रकरण के बाद भी पार्टी नेतृत्व से चुपते सवाल पूछने बंद नहीं किए। वो लगातार पार्टी आलाकमान के फैसलों से नाखुश दिखाई दिए। हालांकि इस बार सोनिया के फैसले का कपिल सिब्बल ने स्वागत किया है। कांग्रेस की पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे। उनके पार्टी छोड़ने पर कपिल सिब्बल ने लिखा, सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकतम सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जब युवा नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं तो हम बूढ़ों को इसे मजबूत करने के हमारे प्रयासों के लिए हमें दोषी ठहराया जाता है। पार्टी आगे बढ़ती रहती है आंखें अच्छी तरह बंद करके। सिब्बल के अलावा और भी कई कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस पर ही सवाल खड़े किए हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।